Welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. Back again with a new video. So let's start today's video. अभी अभी मेरे दिन के आगाज़ में मेरी नज़र एक बिल्ली पे पड़ गई है जिसने मुझे डरा के रख दिया. सो स्टार्ट में ब्लॉक नहीं कर सकी थी बिकॉज आते मेरी क्लासेस थी तो मैं क्लास लेने चली गई. अभी क्लास लेके टेस्ट दे के फारिग हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह बहन का टेस्ट अच्छा हो गया. पहली दफ़ा कोई चीज़ आती थी वो मैं अच्छे से दे के आई हूँ और अभी मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ के टेस्ट अच्छा हो गया इसी कॉन्फिडेंस को लिए मैं आगे जा रही हूँ. कैसा हुआ टेस्ट? बहुत गंदा. झूठ बोरिया. बहुत अच्छा टेस्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. क्या मसला है? मैंने आँखें ऐसे खोल के रखनी है. मैं इतनी खोल के रखती हूँ आँखें लेकिन मेरी आँखें ऐसे आती हैं जैसे मैंने कोई भंग पी हुई है. अल्हम्दुलिल्लाह दरिया रावी क्रॉस करते हुए फाइनली हमने क्रॉस कर लिया. अभी हम लोग जा रहे हैं बुशके डिपार्टमेंट वाली साइड पे. एज़ यूजुअल काम किसको होगा? इसको. इसकी जान है ATM में बसती है और ये अभी जा रही है ATM में. अगर हॉस्टल की कभी ज़रूरत पड़े ना तो ये तो ATM में रूम लेगी अपना बिकॉज 24 घंटे वहीं पे काम होता है बस और कोई काम नहीं. ऐसी बात है कि गाइस तो मेरी दोस्त चली गई है ATM में और अभी हम अगर ATM में छापा मारे तो ये ATM में चली गई है और अभी मैं बाहर खड़ी हुई यहाँ पे बस लड़कियाँ देख रही हूँ क्या सीन हो रहा है क्या चीज़ें चल रही. बाकी मुझे बहुत अफसोस होता है मेरी आँखें इतनी बंद क्यों आती हैं. मेरी आँखें बिल्कुल ऐसी होती हैं लेकिन ब्लॉग के टाइम पे ऐसे इस तरह बंद एक बंद एक खुली हुई है. आवाज़ सी सी नहीं आ रही. कभी कोई चीज़ हो रही है कभी कोई चीज़ हो रही है. कितनी कोई ज़िंदगी सैड है हमारी. बहुत सैड लाइफ चल रही है मेरी तो. सही बात है. अभी लेक्चर लेके फारिग हुए हैं इसके बाद मैंने दोबारा लेक्चर लेने जाना है. यार मतलब ज़िंदगी में सुकून नहीं है. अस्तगफिरुल्लाह. आज इसके हाथ घर के सारे ATM कार्ड लग गए हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह आज सफाया होगा सबका. कोई रहम कर लो. आ जाओ बाहर आ जाओ बस रहम कर लो. कोई ये नुकसान होता है घर के छोटे बच्चे के हाथ जब कोई चीज़ लग जाती है. बिल्कुल वैसे जैसे आपके घर आया मेहमानों का छोटा सा बच्चा जो कोई भी चीज़ पकड़ के तोड़ देता है या उठा लेता है कुछ भी कर लेता है. इसका हाल वही हुआ. इसके हाथ लग गया ATM कार्ड और आज बचत नहीं है घर के ATM कार्ड. बहुत अफसोस हुआ. मेरे तहफ़ुज़ात आपके साथ हैं. दिली हमदर्दी आपके साथ. सारिया के घर वाले के साथ. मिशन कम्प्लीटेड. यस. घर के ऐसे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता. कि गाइस तो मैंने आगे व्लॉग में बोला था कि अब मेरे कॉन्टीन्यूसली लेक्चर्स हैं और अभी आप लोग मेरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे तो हमने लेक्चर बंक किया. यस आज फिर हमने अपना लेक्चर बंक कर लिया और वो बैठी हुई है महारानी और हमने आज अपना लेक्चर बंक कर लिया क्योंकि मूड नहीं था. लेक्चर क्यों बंक किया? मूड नहीं था. अल्हम्दुलिल्लाह क्लास लेने के लिए भी मूड का होना बहुत ज़रूरी है अदरवाइज़ हमारी तरह लेक्चर बंक किए होंगे. या आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो हमने बंक किया. इस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर है वैसे ही हमने सेकंड टाइम बंक किया. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और हमने इतनी देर में बैठ के कुछ क्या बातें की. हमने क्या बातें की पता नहीं. हमें खुद नहीं पता कि हमने इतनी देर बैठ के क्या किया. आगे ना यहाँ पर एक मेहंदी टाइप हो रही थी अपनी दोस्त की वो लग कर रही थी. बहुत अच्छा सीन आया था और मैं शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर मैं शूट करती तो मैं कुछ ऐसा बोल देती. सो मैंने वो शूट नहीं किया. बहुत मज़े का बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था. मज़ा आ रहा था देख के. ऊँची बोल रही थी. हाँ जी अब ऊँची शुरू हो गई है ABC वाले बच्चों की तरह. गाइस तो फाइनली हमने लेक्चर बंक कर लिया. हम अपनी रोड पर मेन रोड पर आ चुके हैं जहाँ पर आके हम लोग गेट ओपन होने से पहले वॉक कर रहे होते हैं. और व्लॉग क्यों ख़राब करती हो? क्यों ख़राब करती है मेरा व्लॉग? अब चली गई आके. सो अभी हम लोग फिर रहे हैं और हमारी क्लास के बच्चे अगर हमें देख रहे हैं तो हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम क्लास में थे जबकि हम क्लास में नहीं थी और हमारी एब्सेंट ही मार्क हुई होगी. और अभी बोलो क्या बोलो जो बोलना था. व्लॉगर के कैमरे में आने का शौक है? नहीं बिल्कुल नहीं है. नहीं है लेकिन फिर भी लोग मेरे व्लॉग में आते हैं. मेरी दोस्तों को ज़्यादा ही आती है. क्या बोलूँ मैं कंफ्यूज कर रही है बहुत ज़्यादा. YouTube चैनल होप यू ऑल आर डूइंग वेल. बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो. और आज मैं बहुत आराम से जा रही हूँ क्योंकि आज मेरी क्लास है. और सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग द व्लॉग्स बिकॉज मैं शॉक में चली गई थी. हमारे मिड्स स्टार्ट हो गए हैं. अभी आई दे रही कितनी हुई यूनिवर्सिटी में और हमारे मिड्स स्टार्ट हो गए हैं तो मैं शॉक में चली गई थी. सो आज मैंने फैसला किया कि मिड से पहले मैं एक व्लॉग बना लेती हूँ. इसको अपलोड कर लेंगे. व्लॉग बना लेती हूँ अच्छा सा वाट करके.
सो अभी हम लोग क्लास में जा रहे हैं। क्लास तो स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन फिर भी हम खुद ही लेट जा रहे हैं आज। आराम से सुकून से तो फाइनली हम लोग आ गए अपनी क्लास की तरफ और मैम नहीं आई हुई, और अभी हम और ही ज़्यादा सुकून से चलते हुए जाएंगे बिकॉज मैम ने आई हैप्पीनेस। अभी हमारी असाइनमेंट चेक हो रही है इस टाइम, और हम लोग डर के पीछे खड़े हुए हैं। मेरे आगे सादिया खड़ी हुई है और मैम हमारी असाइनमेंट चेक कर रही है, तो मैंने कहा क्लास में खड़े होकर ब्लॉग बनाते हैं। पता नहीं कैमरा सही से एडजस्ट हुआ भी है कि और आवाज़ आ भी रही है या नहीं। फिर तो नहीं हुआ, और हम लोग आए हैं यहाँ पे वॉशरूम में। मैंने एक फील बनानी थी, एक वीडियो से बनानी थी, सो मैं आई थी यहाँ पे एक। ओके गाइस, तो लेक्चर हमारा नहीं हुआ और अभी हम लोग जा रहे हैं बुश के डिपार्टमेंट वाली साइड पे। नहीं, अभी हम जा रहे हैं एक बाल कॉर्नर पे, और मैंने रील बना लिया अच्छी सी। सीन मेरे साथ ये हुआ, मैं ब्लॉग शूट करते करते बंद कर दिया वहाँ पे ना, वो पता नहीं कोई आपी सी थी या फिर वो क्या थी, वो मुझे ऐसे देख रही थी कि जिस तरह मैं पता नहीं क्या जुर्म कर रही हूँ। मैंने जल्दी से ब्लॉग बंद किया। सादिया ने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की, यही बात हुई है। और बस हमने कैमरा ऑफ किया, अभी हम लोग जल्दी से आ गए। अभी हम जा रहे हैं, शायद कोई सारा आ रहे हैं। साइड पर बैठे हुए थे आज, शायद किसी और डिपार्टमेंट की गर्ल्स की आज पार्टी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। मेरी दोस्त मुझे वहाँ अकेला छोड़ के आ गई थी, अभी मुझे मैसेज करके कहती है बाहर आ, अभी हम उसके पास जा रहे हैं। वो घूम रही है, वो इसको नहीं पता मैंने नेट ऑफ कर दिया हुआ है, इसलिए मुझे मैसेजेस कर रही है। अभी मुझे मैसेजेस कर रही होगी, लेकिन मेरा नेट ऑफ है, अभी इसकी तरफ चलते हैं। पता नहीं कैमरा सही हैंडल हो रहा है या नहीं। अपनी मस्ती में मगन है, इसलिए मुझसे बात कर रही है, लेकिन मेरा नेट ऑफ है। ओके गाइस, सो हम लोग अपने डिपार्टमेंट में जाके भी बैठे थे कि मुझे बुश की कॉल आ गई, और मुझे कहती है मेरे डिपार्टमेंट वाली साइड पे आओ, हमने कुछ रील्स बनानी थी। मैंने उसे कहा मेरे डिपार्टमेंट में आओ, मेरे डिपार्टमेंट ज़्यादा प्यारा है, लेकिन सुनती किसी की नहीं। अभी मैं उसको उसके डिपार्टमेंट में लेने जा रही हूँ, उसकी क्लास में जा रही हूँ लेने के लिए, और देखते हैं वो आती है कि नहीं। आएगी तो नहीं, मुझे ही रोक लेगी। लेकिन सादिया के सर में दर्द हो रहा था, तो उधर ही बैठी हुई है, और मैंने यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।